पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के अंतर्गत शनिवार को शिव लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स कॉलेज में 182 जोड़ों को विवाह के बंधन में बांधा गया। साथ ही सभी जोड़ों को 51,000 की धनराशि गृहस्थी का सम्मान देकर आशीर्वाद दिया। विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद कुबेर सर्वेश सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, महापौर विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह सहित भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद कुबेर सर्वेश सिंह ने बताया कि भाजपा की सरकार में गरीब लोगों की मदद करने के अभाव में योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कारण में सरकार की योजना सामूहिक विवाह के अंतर्गत मुरादाबाद में आज 182 जोड़ों को विवाह बंधन में बांधा गया और उनको भविष्य की कामना की गई। विवाह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सरकार द्वारा जितनी भी योजना निकलती है वो सब जनता की मदद के लिए होती है, इसलिए हर योजना का लाभ उठाना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने सुना होगा कभी, मैं भी 91 से विधायक रहा और हम सुनते थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे वो हर बहन बेटी गरीब की शादी करते थे। उन्हें उसी वजह से सब मामा मामा कहते थे बहन बेटी। हम भी सोचते थे कि हमारे प्रदेश में भी ये योजना प्रारंभ हो, हर गाँव में, शहर में, हर गली में रहने वाली गरीब बेटी किसी भी कौम की हो, बिना भेदभाव के ये योजना प्रारंभ हो। ये माने योगी जी ने प्रारंभ की, आज भी 182 जोड़ों के आज विवाह बंधन में।